मां फेफड़ा कैंसर टीवी आदि से है परेशान तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान के नंदामुड़ा गांव में लव माता पूर्व विधायक जगमातो देवी की 13वीं पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। नंदा मुड़ा स्थित उनके आवास पर जेडीयू नेता अजय सिंह, पूर्व सांसद कविता सिंह समेत तमाम लोगों के द्वारा उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्जित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं जदयू नेता अजय सिंह इस मौके पर अपनी दिवंगत मां को याद कर काफी भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मां को याद करते हुए अजय सिंह ने उन्हें नमन किया और बताया कि उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। वहीं पूर्व सांसद कविता सिंह ने कहा कि उनकी सास जगमातो देवी को उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन उनके बारे में बहुत सी कहानियां, बहुत सी जानकारियां सुनी है। उन्होंने कहा कि माता जगमातो देवी की 13वीं पुण्यतिथि पर रुद्राभिषेक किया गया और इसके बाद उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्जित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आइए आपको सुनाते हैं लव माता जगमातो देवी की 13वीं पुण्यतिथि पर जदयू नेता अजय सिंह, पूर्व सांसद कविता सिंह ने क्या कुछ कहा है। आज माता जी की 13वीं पुण्यतिथि, सबसे पहले माता जी के चरणों में अपने तरफ से, अपने पूरे माता जी के परिवार जनों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आशीर्वाद मांगता हूं माता जी से कि आपके अंदर जो शक्ति थी, आपकी जो विचारधाराएं थी, जो सशक्त वंचित महिलाओं, बच्चों, नौजवानों आपने आवाज दिया, वो सारी शक्ति हम सबको भी दे कि हम लोग भी आपने के जैसे सभी गरीब गुरबा सशक्त वंचित महिला, नौजवान, छात्र छात्राओं की आवाज हम लोग भी बनते रहे और सबको न्याय दिलाते रहे। आज ही के दिन माता जी हम सबको छोड़ करके चली गई थी। आज दुनिया का सबसे काला दिन था हम लोगों के लिए, माता जी के परिवार के लोगों के लिए। अचानक आज ही के दिन 26 जून को 2011 को माँ हम सबको छोड़ी के चली गई। वो दिन बड़ी बुरा था, लेकिन वैसा दिन आता ही है, इसलिए उस दिन को हम लोग याद करने के लिए आज पुण्यतिथि मनाते हैं। पुण्यतिथि बड़ी सादगी से मनते आई है हर साल, लेकिन इस साल विस्तार हुआ है, थोड़ा सा पुण्यतिथि मनाने का विस्तार बनाया है। इसलिए आज हम लोग सभी परिवार जो, सच्चाई है कि जब दुख की घड़ी होता है तो माँ को याद करते हैं, उसी तरह हम लोग आज माँ को याद कर रहे हैं, ज्यादा याद आ रही है और वही याद करके आज नमन कर रहे हैं हम लोग। तो सभी माता जी के परिवार, एक एक परिवार के लोग आए नमन कर, जो कल थे वो आज है, सभी लोग आकर के हम लोग नमन कर रहे हैं। माँ माँ होती है जीवन में, माँ का प्रेम ये है। हम लोग तो भगवान से भी बड़ा माँ को मानते हैं, माता और पिता को भगवान से भी बड़ा मानते हैं, मान करके हम लोग पूजा करते हैं, नमन करते हैं। और सबको मैं कहता हूँ कि माँ को पिता को जो आदर करता है, प्रणाम करता है, वो तो दुनिया संसार में कभी दुखी नहीं होता। और उसी तरह सबको कहते हैं, जो सब लोग अपने माता पिता को आदर करें, सम्मान करें, प्रणाम करें, क्योंकि माँ फिर नहीं आएगी, माँ माँ होती और वही माँ की याद करने के लिए आज विशेष कर बुलाया गया। सबसे पहले मैं लव माता स्वर्गीय जगमातो देवी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ
कि आज ही के दिन 26 जून 2011 को उनका देहांत हुआ था और इस लोक से ऊपर लोक सिधारी थी। उनके आशीर्वाद पूरे जनमानस पे हमेशा रहा और खास करके हम लोगों पे रहा, सदैव ही उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे। क्योंकि माता जी के बारे में हमने सुना, हमने तो देखा नहीं था लेकिन सुना था कि माता जी सभी को पुत्र समान मानती थी। एक माता का जो दायित्व तो होता है सभी में स्नेह बांटना, प्रेम बांटना, वो बांटती थी और उनके आशीर्वाद से हम लोग कार्य करते हैं और उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे, यही हम लोग कामना करते हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है? सबसे पहले तो माता जी की पुण्यतिथि पर हम लोगों ने भगवान शंकर भोलेनाथ, जो नाथों के नाथ हैं, उनका रुद्राभिषेक किया। उसके बाद माता जी के तैल चित्र पर उनकी जो प्रतिमा स्थापित है, मूर्ति स्थापित है मंदिर में, मातृ मंदिर में, उन पर माल्यार्पण किया। उसके बाद भजन का कार्यक्रम होगा और जो भी माता जी के चाहने वाले हैं उनके कृतित्व को बखान कर रहे हैं यहाँ पे और उनको याद कर रहे हैं।